देखिए कक्षा दसवीं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 धन 13 भाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए ये बहुत सरल क्वेश्चन है, 2 अंक का क्वेश्चन है, तो व्याख्या करना है तो हम क्या करेंगे, इस 13 को उभयनिष्ठ निकाल लेंगे दोनों में से, यहाँ बीच में प्लस का निशान है, बाकी संख्या इधर की गुणा में है। तो देखिए हम इसको क्वेश्चन को लिखेंगे 7 × 11 × 13 × 13 उभयनिष्ठ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 11 और 13 दोनों स्थानों से हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ प्लस 1 बचेगा, 13 हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए ये 13 निकाल लिए यहाँ से तो 13 का गुणा इसमें हो रहा है तो वही संख्या कहलाएगी, और यहाँ से 13 उठा लिए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसको हल कर लेंगे फिर देखेंगे ये भाज्य संख्या है या अभाज्य। तो देखिए 13 × 11 = 77 हो जाएगा और 77 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 78। 13 × 78 हम देखते हैं इसी में कि 13 और 78 में दोनों संख्याओं में 13 का भाग चला जाता है, इसका गुणा करेंगे तो भी 13 का भाग ही जाएगा, तो इससे मालूम हो जाता है कि ये भाज्य संख्या है। अतः हम लिखेंगे यहाँ, अतः संख्या भाज्य संख्या है। देखिए सरल क्वेश्चन था, 2 अंक का क्वेश्चन था। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, भाज्य संख्या है या नहीं, तो इस टाइप से आप उभयनिष्ठ निकाल के और जांच कर सकते हैं। देखिए 13 × 26 13 × 39 13 × 52 13 × 6 78 तो 13 का भाग चला जाता है, दोनों में चला जाएगा, गुणा करेंगे तो भी 13 का भाग जाएगा, इसलिए गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से मालूम हो जाता है। अतः संख्या भाज्य संख्या है, 13 का भाग जाता है इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः है 1/4 और -1 है। देखिए शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया है तो बहुपद बनाने का सूत्र आपको आना चाहिए। तो देखिए बहुपद बनाने का सूत्र है, ये विकल्प में भी आ जाता है सूत्र, इसलिए सूत्र याद होना चाहिए, x²−α+β (x) + α(β). देखिए किसी भी बहुपद के 2 शून्यांक होते हैं, कौन कौन से, अल्फा और बीटा, द्विघात समीकरण के अल्फा और बीटा, तो पहला शून्यांक को अल्फा बोलेंगे, दूसरे शून्यांक को बीटा, तो शून्यांकों का योगफल है ये, और ये शून्यांकों का गुणनफल है, हिंदी से भी लिख सकते हैं शून्यांकों का योगफल (x) + शून्यांकों का गुणनफल लिखेंगे, तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। देखिए योगफल पूरा दिया है 1/4 और गुणनफल दिया है -1। कभी कभी क्वेश्चन में शून्यांक भी दिए रहेंगे तो शून्यांक के स्थान पर ही शून्यांक रखना है, जैसे 3 और -3 है तो अल्फा और बीटा के स्थान पर रखेंगे, शून्यांक दिए रहेंगे तो सीधे सीधे योगफल और गुणनफल दिया है। तो देखिए हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, यहाँ पे x²− योगफल के स्थान पर 1/4 रखेंगे तो α+β के स्थान पर 1/4 रखेंगे और (x) + α(β) बराबर क्या दिया, -1। अब इसको हल कर लेंगे तो सही समीकरण बन जाएगा, क्या हो जाएगा, x²−1/4x - 1। अब देखिए बटे का 4 हटाना है यदि अपने को, तो पूरे में 4 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा समीकरण, 4x², 4 का गुणा करेंगे 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, -x, और 4 का गुणा करेंगे तो 4 × 4, ये बहुपद बन गया। तो इस तरह हम बहुपद बना लेंगे, तो ये बहुपद बनाने का ये सूत्र है, ये सूत्र याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखिए मैं वास्तविक संख्याएं, मैं अपरिमेय संख्या से क्वेश्चन बता चुका हूं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध कीजिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन भी आ सकता है, इसकी वीडियो में दिखा चुका हूं। और इसी तरह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से SCF ज्ञात करना, ये भी आपसे बनना चाहिए, इसकी वीडियो भी दिखा चुका हूं मैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया है शून्यांक ज्ञात कीजिए, 4x²-4x+1 का शून्यांक ज्ञात कीजिए।
तो देखिए शून्यांक ज्ञात करने का एक क्वेश्चन आएगा और उसमें दिया रहेगा संबंध स्थापित कीजिए, तो संबंध भी स्थापित करना पड़ेगा। तो देखिए शून्यांक किस तरह निकाला जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए ऋण 4x को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे हम कि उनका गुणा क्या होना चाहिए, प्रथम पद और अंतिम पद के गुणा के बराबर, मतलब 4x का स्क्वायर होना चाहिए गुणा, और योग क्या होना चाहिए, माइनस 4x होना चाहिए। तो देखिए 4x हम 2x और 2x मानते हैं, 2x और 2x, दो दुनी 4 होता है, लेकिन इसको ऋण और इसको भी ऋण मानेंगे तभी ऋण 4 योग होगा। तो ऋण 4 योग होना चाहिए और गुणा क्या होना चाहिए, धन 4x का स्क्वायर, गुणा करेंगे तो धन 4x का स्क्वायर हो रहा है। तो देखिए दो भागों में तोड़ के इसको गुणनखंड निकालेंगे, तो 4x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1, बीच के पद को दो भागों में तोड़े। अब देखिए यहाँ से उभयनिष्ठ निकालेंगे, 2x उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, यहाँ से दोनों से 2x निकल जाएगा, तो यहाँ 2x बचेगा, 2 दुनी 4x का स्क्वायर, ऐसा गुणा करके जांच कर लेना चाहिए कि हम जो लिखे हैं वो ऊपर का पद सही आता है या नहीं, 2 दुनी 4x का स्क्वायर, फिर माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे। देखिए 2x बाहर निकाल लिए तो हर संख्या में 2 का गुणा रहता है, इसलिए 1 बचता है। अब जो गुणनखंड आता है उसी को हम दोबारा लिखेंगे यहाँ पे, 2x माइनस 1, यहाँ क्या लिखें कि ऊपर के ये दोनों पद सही हो जाएं, तो माइनस 1 लिखना पड़ेगा, माइनस 2x और माइनस माइनस का गुणा प्लस 1 आ जाएगा, बराबर 0। अभी देखिए शून्यांक निकालना है तो बराबर 0 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से एक उभयनिष्ठ निकालेंगे गुणनखंड, 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 ही बचेगा, 2x माइनस 1 बराबर 0, दोनों के अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो दो शून्यांक निकलेंगे, क्या निकलेंगे, 1/2 और 1/2। देखिए 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2, ये पहला शून्यांक निकल गया। इसी तरह इससे निकलेगा 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2, तो शून्यांक हो जाएंगे, शून्यांक बराबर 1/2 और 1/2। अब देखिए किसी भी बहुपद के शून्यांक जब बराबर निकलते हैं तो उसकी बहुपद की प्राकृति क्या होगी, यदि विकल्प में आता है कि इस बहुपद की प्राकृति ज्ञात कीजिए, ये भी विकल्प में आएगा क्वेश्चन, तो हमको प्राकृति निकालना है तो हमको डी निकालेंगे, और डी निकाल के ही हम जान जाएंगे कि इसका जो डी निकलेगा वो क्या निकलना चाहिए, दोनों मूल समान है, दोनों मूल जब समान होते हैं तो डी बराबर 0 निकलना चाहिए। तो देखिए हम निकाल के देखते हैं, यहाँ पे डी बराबर 0 आना चाहिए तभी दोनों मूल समान होते हैं। तो देखिए डी बराबर बी का स्क्वायर माइनस 4ac, इससे भी क्वेश्चन आएगा, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, या मूलों की अस्तित्व है या नहीं, वास्तविक है या समान, वास्तविक है असमान या काल्पनिक है, इस टाइप की तीनों शर्त आनी चाहिए इसकी। तो देखिए हम d निकालेंगे तो b कितना है, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणित a का मान कितना है 4 और c का मान कितना है 1 है, तो 4 चौके 16 16 माइनस 16 बराबर 0, ये देखिए d बराबर 0 आ गया। तो d बराबर 0 आ गया तो क्या लिखेंगे, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान मूल होते हैं। देखिए हमने समान मूल निकाला था 1/2 और 1/2, तो यहाँ से दो क्वेश्चन हल हो रहे हैं, इस टाइप से क्वेश्चन को हल किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म में संगत है या असंगत। देखिए संगत है या असंगत इसको ज्ञात करने के लिए देखिए हम क्या निकालेंगे, समीकरण लिखेंगे, यहाँ समीकरण नहीं लिख पाए, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म में संगत है या असंगत। तो हमारा पहला जो समीकरण है वो है 5x माइनस 3y और बराबर 11, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है इसका माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22, ये दो समीकरण दिए हैं और अपने को जानना है कि निम्न समीकरण संगत हैं या असंगत। तो देखिए संगत और असंगत के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, कोई भी समीकरण आए, इनके अलावा कोई भी समीकरण आता है परीक्षा में,
तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 निकालेंगे। देखिए व्यापक समीकरण में लिखने को भी आ सकता है कि द्विचरी समीकरण का व्यापक रूप लिखिए, तो क्या लिखोगे, इसको लिखेंगे हम A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। इस रूप का कोई भी समीकरण होता है और इसी रूप में इस समीकरण को हम यदि लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3y और 11 को पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 11 बराबर 0। पहला समीकरण, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, माइनस 10x प्लस 6y और प्लस 22 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इसको जानना है संगत है या असंगत, तो हम निकालेंगे A1 बटे A2। तो देखिए A1 बटे A2 बराबर 5 बटे माइनस 10 आएगा, 5 बटे माइनस 10 चिन्ह सहित लेते हैं, इसको हल करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 बटे 2। अब इसी प्रकार B1 बटे B2 निकाल के देखते हैं, B2 बराबर B1 बटे B2 निकालेंगे तो इसमें माइनस 3 और क्या है, 6 है, माइनस 3 बटे 6, इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो भी आएगा माइनस 1 बटे 2। इसी प्रकार C1 बटे C2 निकालेंगे तो बराबर क्या जाएगा, माइनस 11 बटे 22, माइनस 11 बटे 22, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये भी कट जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस 1 बटे 2। तो देखिए तीनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे ये समीकरण के, जब तीनों पक्ष बराबर हैं तो हम लिखेंगे ये समीकरण संगत हैं। देखिए दोनों रेखाएं समपाती होंगी, जब तीनों बराबर रहते हैं तो समपाती होंगे तो संगत में आता है, अद्वितीय हल है तो संगत में आएगा, लेकिन कोई हल नहीं होता, मतलब दोनों बराबर रहते ये दोनों और ये बराबर नहीं होता तब हम कहते कोई हल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या आता है, असंगत आता है। देखिए मैं तीनों स्थिति बता चुका हूँ कि अद्वितीय हल है और अनंतः अनेक हल हैं तो उसमें क्या आएगा, संगत, और जिसका कोई हल नहीं है, दोनों रेखाएं समानांतर जा रही हैं तो आप समझ लीजिए इसका क्या आएगा, असंगत आएगा, जिसका कोई हल नहीं है तो इसमें क्या जाएगा, तीनों बराबर हम लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तो निकाय का संगत है, क्या आएगा, संगत, संगत है आएगा, जिसका जिस समीकरण का कोई हल नहीं आता है वो असंगत में आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, IMP क्वेश्चन है ये। देखिए इस टाइप के दो तीन क्वेश्चन हैं, यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि दो विषम धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग दिया है यदि, तो आप विषम धनात्मक पूर्णांक में क्या मानेंगे, देखिए विषम संख्या में दो का अंतर रहता है, इसलिए एक संख्या को हम x मानेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x धन 2, और उनके वर्गों का योग लिख दीजिए। तो इस टाइप से एक टाइप में दो तीन क्वेश्चन हल करते बनना चाहिए, तो ये क्वेश्चन बता रहा हूँ क्रमागत कहा है, तो एक संख्या x मानेंगे दूसरी संख्या x धन 1, विषम कहेगा तो एक संख्या x मानना दूसरी संख्या x धन 2, क्योंकि विषम संख्याओं में 2 का अंतर रहता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन हल किया जाता है। तो देखिए हम मानेंगे, माना ये 5 अंक का क्वेश्चन है, माना कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या कैसे निकालते हैं, पहली संख्या में 1 जोड़ के, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1, माना कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x प्लस 1 होगी, क्योंकि यदि कोई संख्या हम सोचें 4 है तो 5 कहाँ से निकलता है, 4 में 1 जोड़ के, इसलिए ये मानना पड़ता है, तो उनका डिफरेंस देखना चाहिए और मान लेना चाहिए, जब ये मान लिए मतलब क्वेश्चन हल हो जाता है। देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार या शर्तानुसार यहाँ लिखना चाहिए कि उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तो लिखेंगे x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग
एक संख्या x थी, दूसरी संख्या x प्लस 1 थी, दोनों का वर्ग कर दिए और बराबर योग क्या है 365। इसको हल कर लेंगे। देखिए x का स्क्वायर प्लस, इसको सरसमीकरण से हल करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा बराबर 365। यहाँ x का स्क्वायर और x का स्क्वायर क्या हो जाएंगे, 2x का स्क्वायर प्लस 2x और 365 को इस साइड ले आएंगे तो एक यहाँ घट जाएगा तो माइनस 364 बचेगा, 364 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गया और द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे तो यहाँ और छोटा समीकरण बन जाएगा, सब में 2 का भाग जा रहा है। देखिए तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस x और 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 बच गए, 1 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0। अब इसको हम गुणनखंड विधि से हल करें या सूत्र विधि से हल करें तो किन दो संख्याओं का गुणा माइनस 182 होता है और योगफल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो ऐसी संख्या हम सोचेंगे। तो 12 और 13 का गुणा करके देखते हैं साइड में, हम 12 गुणित 13, 13 तिया 39, 12 जो बाकी 36 की 6 हासिल की 3 और 12 एकम 12 और 3 15 156, इसका गुणा नहीं आता तो 13 गुणित 14 करते हैं, 13 गुणित 14 तो 13 चौके 52 की 2 हासिल की 5 और 13 एकम 13 और 5 13 और 5 18, ये देखिए आ गए 13 गुणित 13 और 14 आएगा तो 13 और 14 का गुणा करेंगे तो 182 और उनको आपस में घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा तो अपने को धन 1 बचाना है। तो देखिए इसको लिखेंगे हम x का स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। देखिए जांच करते हैं, 14x में से 13x घटाएंगे तो प्लस x बचेगा और दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस 182x का स्क्वायर प्रथम पद और अंतिम पद के गुणा के बराबर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से उभयनिष्ठ निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, x बाहर निकाल लेते हैं तो कोष्टक बचेगा x प्लस 14, यहाँ भी हम लिखेंगे x प्लस 14, यहाँ क्या लिखें माइनस 13, माइनस 13x गुणा करेंगे तो माइनस 182 बराबर 0। देखिए दो गुणनखंड निकल आया यहाँ, x प्लस 14 और x माइनस 13, x प्लस 14 पहला गुणनखंड और दूसरा है x माइनस 13 बराबर 0। अब देखिए दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा माइनस 14 और इसको असंभव लिख देंगे, क्यों, क्योंकि हमको धनात्मक संख्या निकालना है, असंभव। अब दूसरा गुणनखंड है x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 13, x क्या माने थे हम, पहली संख्या माने थे तो ये पहली संख्या निकल गई, देखिए पहली संख्या बराबर 13 तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 1 जोड़ के 13 प्लस 1 बराबर 14, तो आंसर क्या हो जाएंगे 13 और 14, तो वे संख्या होंगी 13 और 14। जांच करेंगे 13 का वर्ग 169 और 14 का वर्ग 196, दोनों को वर्ग करके हम जोड़ेंगे 169 और 14 का वर्ग 196 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए 365 होना चाहिए। 9 और 6 15 की 5 हासिल की 1, 9 और 7 9 और 7 16 की 6 हासिल की 1, 365 ये आंसर की जांच हो गई। इस तरह हम इबारती क्वेश्चन में आंसर की जांच कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 समानांतर श्रेणी से है ये, देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है या इसका दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप में कि 8 के प्रथम 5 गुण 15 गुणज या
सात गुणज का योगफल ज्ञात कीजिए, तो योगफल का सूत्र आना चाहिए। तो देखिए इसमें हम तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो सात से विभाज्य हैं, तो हमको समानांतर श्रेणी बनाना पड़ेगा, फिर सर्वांतर और प्रथम पद निकालना पड़ेगा, और फिर हमको जानेंगे कि कितनी संख्याएं हैं जो सात से विभाज्य हैं। तो देखिए सात से विभाज्य संख्या तीन अंकों की हम स्टार्ट करते हैं, तो हम जाएंगे कहाँ पे, सौ पे जाएंगे। तीन अंक सौ से चालू होता है, तो सौ के आगे देखेंगे हम 105 में जाते हैं। क्या लिखेंगे, 105। 105 में सात का भाग जाता है, सात एकम सात, बच गए तीन, सात पना 35, सात का भाग जाता है, तो श्रेणी बनाएंगे हम। अगली संख्या आ जाएगी क्या, आगे बढ़ते जाएंगे तो 112 लिखते हैं, इसको सात से भाग देख देखते हैं, सात एकम सात, बच गए चार, सच्छंग 42, इसमें भी चला जाता है। तो इतनी अपने लिए पर्याप्त है, दो संख्या मिल गई। अब हम आगे चलेंगे, तीन अंकों कहाँ तक जाएगा, 999 तक जाएगा 300 अंक। तो देखिए 999 सात से विभाज्य नहीं, हमको अंतिम पद लिखना है, तभी हमको सर्वान वो निकलेगा, एन का मान तभी निकाल सकते हम, क्योंकि एक किसी भी चीज़ निकालने के लिए एक अज्ञात राशि होना चाहिए। तो 999 की फिर कम करते हैं तो क्या आ जाते हैं, 994 में आते हैं। देखिए 994, इसमें सात का भाग चला जाता है, सात एकम सात, बच गए दो, सच चुके 28, बच गए एक, सात दूनी 14। तो ये हमारी श्रेणी बन चुकी। अब जब समानांतर श्रेणी बन गई, एपी बन गई है ये एपी, तो अब इसका सर्वांतर क्या है, द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाएंगे। देखिए हमको एन का मान निकालना पड़ेगा कि इन संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 105 और 994 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो सात से विभाज्य होंगी, हमको एन का मान निकालना है। तो देखिए प्रथम पद ए का मान लिखेंगे 105, सर्वांतर डी का मान लिखेंगे, द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाएंगे, 112 माइनस 105 बराबर डी क्या निकल जाएगा, 12 में 5 गए 7 आएगा। इसी प्रकार हमको एन का मान निकालना है, एन बराबर ज्ञात करना है। तो देखिए हमको योगफल का सूत्र लिखेंगे, एन पदों का योगफल का, तो एस एन बराबर एन बाई टू, कोष्टक के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र आपको आना चाहिए। Sn मतलब अंतिम पद, हमको n का मान निकालना है। क्या पूछा है, तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो सात से विभाज्य हैं, कितनी संख्याएं जो सात से विभाज्य, ये सूत्र नहीं लगेगा हमको, एन एन ऑफ एन पदों का सूत्र लगा के लगाएंगे इसमें, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद क्या है, अंतिम पद है इसलिए इसमें लगाएंगे। देखिए अंतिम पद क्या है, 994 बराबर प्रथम पद क्या है, 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 7 है। इसको हल कर लेंगे हम, देखिए 994 बराबर 105 प्लस, गुणा करेंगे यहाँ पे 7n माइनस 7, इसको हल करेंगे तो देखिए 105 में से हम 7 को घटा देंगे तो 7n बराबर निकल जाएगा, यहाँ से 7n को एक पक्ष में रखेंगे तो क्या बचेगा, 98। तो देखिए 98 पक्षांतर कर लेंगे तो 7n बराबर 994 माइनस 98, तो 7n बराबर क्या आ जाएगा, एक उधार लेंगे 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 बचेगा, इसी प्रकार यहाँ बचेगा 8, एक उधार लेंगे 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 बचेगा, एक उधार यहाँ ले लिए तो यहाँ 8 बचेगा, तो 7n बराबर
896, n बराबर क्या जाएगा 896/7। इसको काटेंगे, 7 एकम 7 बच गया 1, 7 दुनी 14 बच गए कितने 5, 7 8 56 128, n बराबर 128। अतः 128 मतलब कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं, 7 से विभाज्य संख्याएं बराबर 128, 7 से विभाज्य संख्याएं बराबर 128, ये आंसर आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, समीकरण दिया है, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम इसको समीकरण एक मानेंगे और इसको दो मानते हैं, समीकरण एक और दो। तो हम समीकरण एक से मान निकाल के समीकरण दो में रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से x का मान निकालते हैं, x या y किसी का भी निकाल सकते हैं, x का मान निकालने पर, x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3x बराबर 10 माइनस 4y, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 4y बटे 3। ये समीकरण तीन मान लेते हैं, क्योंकि x का मान निकलेगा तो यहाँ रख देंगे हम, y का मान निकलेगा तो y के स्थान पर रख देंगे तीन में, तो x का मान निकल जाएगा। तो देखिए समीकरण दो में x का मान प्रतिस्थापित करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे समीकरण दो में x का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर, तो समीकरण दो में x के स्थान पे रखते हैं 2 × 10 − 4y / 3 − 2y = 2। अब इसको हल करेंगे, देखिए 2 का गुणा करते हैं यहाँ पे, 10 × 20 हो जाएगा, −4 × 8y / 3 − 2y = 2। अब देखिए इस 3 को हटाने के लिए पूरे समीकरण 3 का गुणा कर देंगे, 3 का गुणा करेंगे 3 से 3 कट जाएगा। तो देखिए आगे हल करेंगे इसको, 3 से गुणा करेंगे तो 20 − 8y − 3 से गुणा करेंगे 3 × 2 = 6y हो जाएगा, बराबर 3 से गुणा करेंगे 3 × 2 = 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हल करेंगे इसको, तो ऋण 14y हो जाएगा, ऋण 14y = 6 − 20, क्या बचेगा ऋण 14y = 20, में से हम 6 घटा देंगे तो 14 बचेगा, ऋण 14। तो देखिए y बराबर क्या जाएगा 14/14, ऋण दोनों कट गए तो बराबर 1 आ जाएगा, 14 एकम 14 तो y बराबर 1 समीकरण 3 में रख देंगे। तो देखिए x बराबर, समीकरण 3 लिख रहा हूँ यहाँ, 10 − 3y / 3, 10 − 4y / 3, हम y का मान समीकरण 3 है ये, इसमें रख देंगे तो x का मान निकल जाए, x बराबर 10 − 4 × 1/3, तो क्या हो जाएगा 10 में से 4 घटा देंगे तो 6 बचेगा, 10 में से 4 गए 6/3, 3 एकम 3 × 3 = 6, तो x बराबर 2 निकल जाएगा। तो हमारा हल क्या निकल गया, x बराबर 2 और y बराबर 1। इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना आसानी, समीकरण 1 से मान निकालिए और समीकरण 2 में x के स्थान पर रख दीजिए, समीकरण 1 से यदि y का मान निकालेंगे तो y के स्थान पर रखेंगे,